नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। मेरे साथ आज हैं सुल्तान जहां पूरनपुरी मैम, जो कवित्री हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये। और मैं बता दूं कि मैम जो हैं सुल्तान जहां मैम पूरनपुरी मैम, पहली बार इनका बिहार आना हुआ है। ज़्यादा कुछ खास अनुभव नहीं रहा है। बिहार हालांकि कई बार आई हुई हैं, लेकिन भागलपुर आना और महोत्सव में ये पहली बार आई हुई हैं। तो बात करते हैं हम पूरनपुरी मैम से। मैम, ये आपका पहला आना हुआ है खासकर भागलपुर। बिहार कई दफ़ा आप आई हुई हैं, महोत्सव में आप आई हुई हैं, आज क्या कुछ खास रहेगा खासकर आपकी तरफ से? सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सुल्तान जहां पूरनपुरी, आज भागलपुर में मेरा पहली बार आना हुआ है, ये बात सच है। बट मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आई हूं यहां पर। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान और इज्जत दी गई। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं भागलपुर की। और बिहार में ना मेरा कई बार आना हुआ है, अक्सर आना होता रहता है। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ के लिए खास क्या कह सकते हैं हम, दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ जो है वो मोहब्बत है। मैं मोहब्बत की शायरा हूँ और मोहब्बत की ही बात करती हूँ हमेशा, और इससे अलग हट के मैं लिख भी नहीं पाती, तो बस मोहब्बत का ही जिक्र करती हूँ हमेशा। तो चाहे वो देश प्रेम हो या वैसे प्रेम हो, प्रेम प्रेम ही होता है। मैंने मोहब्बत की पंक्तियाँ भी कही हैं और कुछ देश की पंक्तियाँ भी कही हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आज सोचा था कि मंच से पढ़ूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं मोहब्बत की शायरा हूँ, तो मोहब्बत की बात करूँगी, तो चार पंक्तियाँ मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मेरे मुनसिफ मेरे रहबर, मेरे मुनसिफ मेरे रहबर, तू अब तो फैसला कर दे, खिताबे बावफा दे दे या साबित बेवफा कर दे। मेरे मुनसिफ मेरे रहबर, तू अब तो फैसला कर दे, खिताबे बावफा दे दे या साबित बेवफा कर दे। कि दिल में कैदियों करके सितम मुझ पे वो ढाए हैं, कि दिल में कैदियों करके सितम मुझ पे वो ढाए हैं, सजा कर हो चुकी पूरी तो अब मुझको रिहा कर दे। बस इसी तरह की शायरी होगी आज, इसी तरह की बस मोहब्बत की बात करूँगी। बाकी गौरी मिश्रा दी हैं, सब कुछ ये संभाल लेंगे। बिल्कुल, हालांकि अब प्रोग्राम शुरू होने का वक्त भी आ गया मैम, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि आप सिल्क टीवी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, इसको बताया जाए, लोगों तक शेयर किया जाए, ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, ऐसी कुछ बातें? बिल्कुल, सबसे पहले मैं सिल्क टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि आज आपके द्वारा मुझे लाइव सुना जा रहा है या मुझे देखा जा रहा है या आपके द्वारा मैं इंट्रोड्यूस हो रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं एक बात हमेशा मेरे जहन में लगती है और चुभती है, हम लोग स्टेज पे खड़े होते हैं, हम लड़की होने के नाते घर से जब भी निकलते हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उंगलियां हमारे ऊपर उठाई जाती हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो मतलब गलत गलत नामों से उसे पुकारा जाता है और कहा जाता है, मतलब गलत इंटेंशन रखा जाता है। तो मैं बस उनको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उसकी मजबूरी हो सकती है। शौकिया तो हम घर में कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम घर से बाहर निकलते हैं कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए, अदरवाइज़ कुछ भी ऐसा नहीं होता। हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं तो माँ बाप की इज्जत हमारे सर पर होती है, हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी हमें उसी नज़र से, उसी मोहब्बत से देखें, क्योंकि हम आपके घर की बेटी हैं, आपको हमेशा हमारा ख्याल रखना चाहिए और हम भी आपकी इज्जत का हमेशा ख्याल रखें। बिल्कुल मैम, आप देश की बेटी हैं, हम लोगों की भी उम्मीद आपसे जुड़ी है, आप आगे बढ़ें, आपसे हम लोगों की एक उम्मीद जुड़ी होती है। बहरहाल, हमारे साथ सुल्तान जहां पूरनपुरी मैम थी, कवियत्री हैं, और ये भागलपुर इनका पहली बार आना हुआ है भागलपुर महोत्सव में। तो आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर है। पूरनपुरी मैम से कहाँ तक बातचीत मेरा अच्छा लगा नहीं लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेस को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।